confused. सिपाहियों को इन खंडरों में फंस के नहीं मरने दे सकते। खुदा के लिए कुछ करो, चलो। मानसिंह जी, बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। भले ही इन्होंने खंडरों में छुपे हमारे चंद सिपाहियों को अपनी भूल भुलैया में फंस के मार दिया हो, पर मुल्तान खान जरूर कुछ करेगा। अब देखना। राणा प्रताप उदयपुर लौट आए हैं। लाहौल बिलाकवत, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमने खुद अपने बेहतरीन हथियार को भेजा था उनको मारने के लिए। उसने हमें यकीन दिलाया था कि वो प्रताप को मारेगा, और प्रताप तो निहत्ता था, तो फिर जिंदा कैसे बच गया? प्रताप के प्रमुख मुख्यमंत्री पहुंच गए थे गंगा घाट पर, और उन्होंने हमारे हत्यारे को प्रताप के मिलने से पहले ही मार गिराया। क्या कर रहा था हमारा खुफिया महकमा बताइए? सबके संग आराम तलब हो गए हैं, या फिर आपकी जानिब हमारी वफादारी चरमरा गई है प्रताप के खिलाफ? वरना क्या वजह हो सकती है कि हमारे बंदे को बचाने के लिए कोई भी नहीं गया? बोलिए, सब कुछ हमें समझाना पड़ेगा क्या आपको? राजपूत जब एक बार वचन दे देता है शहंशाह, तो वो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। हमारी आज भी आपके प्रति निष्ठा वही है, इसीलिए इस अभियान की सफलता हम अपने ऊपर लेते हैं शहंशाह। निष्ठा और विनम्रता के साथ त्याग पत्र देते हैं अपने पद से। कृपया हमारा त्याग पत्र स्वीकार करें। मानसिंह जी, इतनी जल्दी फारिग नहीं हो सकते आप। अभी और साथ देना है आपको हमें जंग में। हम एक और मौका देंगे आपको अपनी वफादारी साबित करने का। जो हुक्म शहंशाह। मुगलों को मारने में लगा। ऐसे घाव तो युद्ध में लगते ही रहते बेटा, लगते ही रहते। काका, वो भाग्य से हमारे पास ये चूर्ण है, हम इससे धुआं धुआं करके बच के निकल सकते हैं। ये तो वही चमत्कारी बूटी है जो हमारे पूर्वज युद्ध में अंतिम संहारक के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। काका, ठीक है काका। काका।
बाप जी के पास जा। कब से अकेले मुगलों से लड़े जा रहे हैं? उनके पास नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेघा अपने काका की बात मान, जा यहां से, जा यहां से, जा। काका अपना ध्यान रखिएगा। राणा जी, एक अच्छा समाचार है और एक बुरा। पहले बुरा समाचार सुनाइए। चंद्रसेन जी जो मारवाड़ गए थे, उनके दादा भाई मारवाड़ नरेश राम सिंह जी से इस युद्ध के लिए सहायता मांगने, उनके अथक प्रयासों के बाद भी ये वार्ता असफल रही। मारवाड़ से हमें यही आशा थी। शुभ समाचार क्या है? आपकी अनुपस्थिति में अमर सिंह जी ने अप्रत्याशित समझदारी दिखाई। अमर सिंह जी ने साबित कर दिया है कि वे आपके सच्चे एवं योग्य उत्तराधिकारी साबित होंगे। उन्होंने इस संकट काल में भी हमें उपयोगी सलाहें दी। उन्होंने हर पग पे अपनी ओर से कुछ ना कुछ नया करते रहने का प्रयास किया। संभवतः उन्होंने ऐसा किया होगा, किंतु उन बातों के लिए भी अभी बहुत छोटे हैं। उन्हें अभी और बहुत कुछ सीखना होगा। फूल कंवर महारानी शाह ने भी उनको कुछ ऐसा ही समझा, किंतु उन्होंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दी। अच्छा, वैसे तो अमर सिंह जी एक बहुत आज्ञाकारी बालक है, उनको और प्रयास करना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम जाकर बात करते हैं, तब तक आप यहाँ के कार्य को संभालें। हम आते हैं। यहाँ तुम्हारे एक लम्हे की भी देरी वहां हमारे भील भाइयों की कुर्बानी बन सकती है। जल्दी ठीक करो तो आपका भैया। ये कौन आ रहा है बियाबान जंगल में घोड़ा भगाता हुआ? होशियार! या खुदा, ये प्रताप का बेटा अमर सिंह यहां क्या कर रहा है? अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, रुक जाइए। कहां जा रहे हैं अमर सिंह जी? रुक जाइए। हमें तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है इस बच्चे की बदहवासी में। हमें भी आसार ठीक नहीं लग रहे। इतना छोटा बच्चा अकेले जा रहा जंगल में? हाँ।
तुम हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकालोगे। वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तुम्हें हम ले चलेंगे इस भूल भुलैया से बाहर, और वहां भी ले चलेंगे जहां हमारे भील भाई छुपे हुए हैं। किंतु तुम्हें हमें वचन देना होगा कि तुम मुझे मेरी पत्नी और बच्चों के पास जाने दोगे। हमने तो बड़े किस्से सुने थे भीलों की वफादारी के, तुम तो उसमें से नहीं लगते। मैं आरंभ से इस युद्ध के विरुद्ध था। मैंने सरदार से कहा था कि ये लड़ाई मुगलों और राजपूतों की है, हम क्यों लड़े मुगलों से। किंतु सरदार ने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतना पड़ेगा उनको इसके लिए। चलो, इतने बेवकूफों में कोई तो निकला अकलमंद। अब तुम बताओगे हमें बाहर निकलने का रास्ता। चलो, तरुण काका हमारे साथ ऐसा करेंगे? मैं नहीं मानता बाप जी। ये होता है हमारा असली शागिर्द। वाह मुल्तान खान वाह, एक दुश्मन को पकड़ के उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल करना, उसका ये फन। शाबाश, कमाल का चाल है ना ये मुल्तान खान की, है ना मान सिंह? ये होता है ना सही वक्त पे सही दिमाग इस्तेमाल करने का वक्त। मान सिंह जी, अब तो आप भी अपने लोगों का सर धड़क से अलग कर पाएंगे अपनी वफादारी दिखाने के लिए। सही कर पाएंगे ना? जी शहंशाह। कितना चलाओगे हमें? बस थोड़ी दूर और, सब लोग ही पहुंच गए। नहीं धर्म काका, नहीं नहीं। क्या हुआ बाप जी? धर्म काका इन मुगलों को उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहाँ हमारे पुरखों की विशाला धुआं छोड़ने वाली जड़ी बूटी है। इन मुगलों के साथ साथ धर्म काका के भी प्राण चले जाएंगे। बाप जी मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं धारण, ये समय नहीं है ऐसा कुछ करने का, ये समय नहीं है। मैंने तो चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तो कहीं नहीं है तुम्हारे व्हील। हुजूर बेवकूफ बना रहा है मैं ये। अंत में तुमको पता चल ही गया ना।
समय रोने का नहीं है। तेरे तारुण काका के बलिदान को अर्थ प्रदान करने का समय है। ये प्रतिशोध का समय है। ये कैसा जहरीला धुआं है, दम घुट रहा है। हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे। हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे। हम कोल भील, हम कोल भील, हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। कोल भील, हम कोल भील, हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। ये कहते हैं भाभी साहब, चिंता मत कीजिए, अमर सिंह जी वापस आ जाएंगे। हमने भेजा है ना उन्हें ढूंढने के लिए कई लोगों को, पर जान भूल तो हमसे ही हुई है। पे गुस्सा थे हम पे, तो भी हमें उन्हें रोकना था। अब क्या उत्तर देंगे हम राणा जी को? जो भी हुआ है आप सच कहेंगे प्रताप से। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी कहाँ है? अमर सिंह जी, हमने कहा अमर सिंह जी कहाँ है? कहाँ है अमर सिंह जी? छोटी अमर सिंह जी कहाँ है? प्रताप, आपके जाने के बाद अमर सिंह जी बहुत दुखी और उद्विग्न हो गए थे। फूल ने बहुत प्रयास किया उन्हें संभालने का, पर वे संभले नहीं। और वो क्या है प्रताप, की फूल की कोई संतान नहीं तो उन्हें कोई अनुभव नहीं। उनकी भी सीमा है अमर सिंह जी से कुछ कहने की। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? कहाँ है अमर सिंह जी? अमर सिंह जी, वो क्या फूल? अमर सिंह जी कहाँ है? बीलों का युद्ध में साथ देने के लिए निकल गए। क्या? और आप सबने उन्हें जाने दिया? प्रताप, अजबरे के जाने के बाद सारा उत्तरदायित्व फूल ने लिया था। अब हमने तो यही सोचा कि नन्ही सी जान को क्यों हम चारों ओर से भीड़ लगाएं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि फूल उनका उत्तरदायित्व लेने के लिए सक्षम है। मासा, हम इस समय पे ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? चांद, मान, आप दोनों उनकी बुआसा है ना, तो आप एक बालक का ध्यान नहीं रख सके? उन्हें जाने दिया। राणा जी, इनमें से किसी की कोई भूल नहीं है। जो भी हो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांग। बस फूल, बस, बस। अजब दे तो बहुत दूर की बात, आप उनकी परछाई बनने योग्य भी नहीं है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.